सात सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर हम बात करें गोले की, गोले के अंदर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का फॉर्मूला होता है, वह एक ही होता है। सबसे पहले हम बना लेते हैं एक गोला, तो हमारी यह है त्रिज्या जिसे हम लिखेंगे आर से, हमें दे रखी है सात सेंटीमीटर। हमें निकालने हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमारा फॉर्मूला लिख देते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, तो 4 × π हमने 22/7 गुना में आर का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 7² 4 × 22/7 7 × 7 हो जाएगा, 1 7 से 1 7 कट जाएगा, आपके पास बच जाएगा 4 × 22/7। सबसे पहले 4 और 22 को गुणा कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 88। 88 को गुणा करने में 7 से 7 8 56 6 5 हमारे पास आ जाएगी हासिल, 7 8 56 56 और 5 61, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों यही है आपका उत्तर। आपको एक नोट करने वाली बात लिखनी होगी, नोट, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आपका वक्र और कुल का दोनों आपके पास बराबर होते हैं, क्योंकि आपके पास ये है गोला है, चारों तरफ से ये बंद है, तो बंद होने से क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपके पास बराबर होगा, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपने इस बात का ध्यान रखना है, आपने इस गोले के ऊपर नोट लिख लेना है।